अजान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। जिला प्रशासन किसी भी हालत में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुअज्जिन बिना किसी लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण के अपनी आवाज में मस्जिद में अजान पढ़ सकता है। कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बहाने इस तरह से अजान पढ़ने को नहीं रोका जा सकता। वहीं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और सीनियर एडवोकेट वसीम कादरी ने लाउडस्पीकर के जरिए अजान पढ़ने की इजाजत मांगी थी। बता दें, गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने अजान पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की थी। सांसद ने अपनी याचिका में कहा था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश से मस्जिदों से अजान देने पर रोक लगा दी, जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि गाजीपुर में सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में आता है। सरकार मूल अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती। जिसके बाद इस मामले में बीते 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, बाद में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यूज डेस्क।